हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाई फाई स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से देख सकते हैं ये खबर लेकर के मैं आपके समझ आ चुका हूं। जो बड़ी खबर आ रही है, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण पर विक्षक जो आपकी भर्ती 2018 की थी, 1953 पोस्ट के लिए आपका एग्जाम हुआ था दिसंबर 2018 में और रिजल्ट आपका 28 अगस्त 2019 में आ चुका है। अब सबसे बड़ी घमासान मच गई है रिजल्ट को लेकर के कि रिजल्ट में गड़बड़ी की गई है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, और इसका सीधा आरोप प्रदेश के मंत्री, जी हाँ, ग्राम विकास मंत्री मोती सिंह जी ने लगाया था। राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस भर्ती में पूरी जो है कहीं ना कहीं इसकी गड़बड़ी में संलिप्तता अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। इसके संबंध में जो खबर प्राप्त हो रही है आगे की कि आखिरकार क्या इसके संबंध में जो है आयोग के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा क्या कदम उठाया गया है, उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। जो आज न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ बिटोर रही हैं उसके संबंध में हम बात करेंगे। उससे पहले चाहेंगे चैनल पर अगर आप नए हैं तो राइट हैंड साइड पर सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा होगा आपको, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी भी प्रेस करें ताकि जैसे कोई और इन्फॉर्मेशन मिले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, सीधे तौर पर आपको राहुल वाई फाई श्री चैनल के माध्यम से आपके मोबाइल हैंडसेट पर प्राप्त हो सके। तो चलिए देख लेते हैं पूरी खबर विस्तार से, आखिरकार क्या कदम उठाया गया है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, जो आज सबसे बड़ी खबर है न्यूज़पेपरों में। यहाँ से खबर आप देख सकते हो, ग्राम विकास मंत्री की शिकायत पर UPSSC ने बैठाई जाँच, है ना, ये पूरी खबर है। अब आगे खबर अगर ले लिया जाए तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मित्रों, लखनऊ से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी व समकक्ष पदों की भर्ती के परीक्षा परिणाम पर ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की शिकायतों पर जांच बैठा दी है। आयोग के चेयरमैन ने जांच समिति का गठन करते हुए जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को भी कहा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी व समकक्ष पदों के करीब 1953 पद यानी 2000 पदों के लिखित परीक्षा के परिणाम 28 अगस्त को जारी किए थे। इन अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन के बाद चयनित किया जाना था, मगर 29 अगस्त को ग्राम विकास मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर लिखित परीक्षा के नतीजों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि पूरे प्रदेश में 16 केंद्रों पर दो पालियों में परीक्षा हुई। लखनऊ केंद्र के करीब 420 परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका की कार्बन कॉपी लखनऊ ट्रेजरी में जमा हुई थी, इसके आयोग मुख्यालय लाकर मिलान किया गया। इन 420 परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका की कार्बन कॉपी 296 मंडलों में शामिल थी। आयोग ने पूरे प्रदेश में कार्बन कॉपियों का मिलान अभ्यर्थियों की मूल कॉपी से करने का निर्णय किया। मंत्री ने दो परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक का उल्लेख करते हुए दावा किया कि उनकी मूल कॉपी में संपूर्ण गोले हैं और उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया गया है, जबकि उन दोनों की कार्बन कॉपी में किए गए प्रश्नों की संख्या लगभग 5 है। तो इस प्रकार से गड़बड़ी आप देख सकते हैं, उनमें जो क्वेश्चन मूल कॉपी में सिर्फ और सिर्फ 5 हैं और गोले सब भरे खाली थे, लेकिन जो ट्रेजरी कॉपी है तो आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसमें सभी गोले भरे गए हैं, प्रश्नों की संख्या लगभग 5। मंत्री ने इस पर सवाल उठाते हुए अन्य केंद्रों पर भी गड़बड़ी की आशंका जताई थी। उन्होंने परीक्षा निरस्त कर जाँच कराने की मांग की थी। आयोग के चेयरमैन अरुण सिन्हा ने बताया कि आयोग के सदस्य अशोक अग्रवाल व उप सचिव रिंकी जायसवाल की दो सदस्यीय समिति की शिकायतों की जांच कर जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दे दिया गया है। तो बड़ी चीज़ आप देख सकते हैं, एक जो आयोग कमेटी बनाई है जांच करने के लिए, जो सदस्य हैं UPSSC अशोक अग्रवाल आप लोग जानते भी होंगे, और उप सचिव रिंकी जायसवाल जी के नेतृत्व में जो है दो सदस्यीय जो है शिकायतों की जाँच की जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो गड़बड़ी है, जो मंत्री जी के द्वारा आरोप लगाया गया है इसके संबंध में, तो ये पूरी खबर थी आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, जो आपका ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी तथा समाज कल्याण पर्यवेक्षक के संबंध में। मित्रों, तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।